नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं काफी अच्छे से होंगे आप लोग। दोस्तों, पेट्रोन जो यह एक इंडियन ऑडियो एक्सेसरीज मेकर ब्रांड है, इन्होंने अपने बेस बड्स सीरीज के अंतर्गत स्पेशल तौर पर म्यूजिक यूजर्स को ध्यान में रखते हुए एक वायरलेस ईयरबड्स को और कर दिया है लॉन्च, और इनका नाम कंपनी ने पेट्रोन बेस बड्स NX रखा है। दोस्तों, ये सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई, देखने में काफी अच्छे, काफी अट्रैक्टिव है, काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं पेट्रोन द्वारा लॉन्च NX TWS ईयरबड्स के फीचर, कीमत, उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जिस कीमत के साथ कंपनी ने इनको लॉन्च किया, तो क्या आप लोगों को इनको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनके अंदर कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 की टेक्नोलॉजी कंपनी दे रही है, जो आपके एंड्रॉइड iOS विंडो के साथ साथ अन्य ब्लूटूथ डिवाइस के साथ यह कनेक्ट होने वाले हैं, जिसके साथ इनके अंदर ऑटो पेयरिंग, क्विक पेयरिंग के साथ साथ मोनोपोड जैसा फीचर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इनके अंदर काफी बड़े से 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसके साथ डीप बेस जैसा बेहतरीन फीचर मिल रहा है। इसके अलावा ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ वैसे भी आते हैं, और कंपनी का दावा है कि इनके अंदर से एक क्लियर बैलेंस्ड रियल टाइम सिग्नेचर साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी, जो म्यूजिक यूजर्स के लिए काफी बेहतर और लाउडली रहने वाली है। लेकिन डेडिकेटेड तौर पर गेमिंग यूजर्स के लिए लो लेटेंसी जैसा फीचर नहीं मिलता। लो लेटेंसी का फीचर मिलता है म्यूजिक और मूवी के लिए, ना कि गेमिंग के लिए। तो आप लोगों के लिए ये म्यूजिक यूजर्स के तौर पर काफी बेहतर रहने वाले हैं, ना डेडिकेटेड तौर पर गेमिंग यूजर्स के तौर पर। इनके बैक साइड पर टच कंट्रोल पैनल भी मिल रहा है, जिससे आप लोग कॉल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा वन क्लिक में गूगल और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को सीधा कमांड देने की सुविधा कंपनी के अंदर उपलब्ध करवा रही है। कॉलिंग के लिए एक ईयरबड्स के अंदर डुअल माइक्रोफोन, टोटल क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिल रहा है, जिसके साथ ENC नॉइस कैंसिलेशन ऐसा फीचर भी मिल रहा है, और कंपनी का दावा है कि आप लोग इनका उपयोग आउटडोर पर काफी आसानी से कर पाएंगे। जिसके साथ ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंट फीचर से लैस है, जो को धूल मिट्टी आपके पसीने से काफी तो सुरक्षित भी रखने वाला है। लेकिन अगर बात करते हैं पेट्रोन बेस बड्स NX के बैटरी बैकअप के बारे में, तो एक ईयरबड्स के अंदर 35 mAh की बैटरी कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और कंपनी का दावा है कि अगर आप लोग इनको एक बार करेंगे फुली चार्ज, तो नॉर्मल पर आप लोगों को 6 से 8 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर इनके चार्जिंग केस की बैटरी को मिला ले, तो टोटल 32 hours का बैटरी बैकअप मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, जो इनकी लॉन्चिंग प्राइस है। हालांकि इनके अंदर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी, और चार्जिंग के लिए माइक्रोचिप टाइप सी भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। फाइनली अगर बात करते हैं इनके भारतीय मार्केट में कीमत उपलब्धता के बारे में, तो दोस्तों ये ऑलरेडी Amazon और कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत परचेस करने के लिए हो चुके हैं उपलब्ध, जहां से आप लोग इनको परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी कीमत के बारे में, तो कंपनी ने इनकी लॉन्चिंग कीमत मात्र 799 रखी है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक कीमत है मेड इन इंडिया ऑडियो प्रोडक्ट के तौर पर। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट है कम और आप लोग एक म्यूजिक यूजर्स के तौर पर कोई मेड इन इंडिया ऑडियो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं ईयरबड्स, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, आप इनके बारे में सोच सकते हैं। फिर भी आप लोगों के दिल में हो कुछ सवाल, तो आप लोग नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जवाब देने की कोशिश मैं जरूर करता हूं, और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।